नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई याचिका के समूचे भारत में हलचल मचा दी है। दरअसल इस याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। हाईकोर्ट से याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की गई है। बताया गया है कि ताजमहल के अंदर छिपी मूर्ति और शिलालेखों जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश करने का निर्देश देने की मांग भी की गई। याचिका को लेकर हाईकोर्ट क्या आदेश करता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस पर आगरा की जनता ने खुलकर बात की है। हम लोग आगरे के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बहुत भाईचारे से रहते हैं, लिहाजा इस फिजा को बिगड़ने नहीं देंगे। सवाल रहा याचिका का जो इलाहाबाद में दाखिल हुई है, अभी सिर्फ दाखिल हुई है, अभी उसमें डेट डली है, अभी मंजूर भी नहीं हुई है, अभी उसकी सुनाई भी नहीं हुई है, अभी उसके अंदर ऑर्डर भी कुछ नहीं हुआ है, और उससे पहले ही उधम मचाने की कोशिश की जा रही है, फिजा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये हमने तो कभी सुना नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा कोई मंदिर था या कोई तेजो महल था, कुछ ऐसा था। आज से मैंने कल भी इससे पहले भी कहा था, सैकड़ों साल हो गए कभी कोई आवाज़ नहीं उठी, अब वही आवाज़ उठ रही है। इससे पहले जब मुद्दा ख़त्म हो गया बाबरी मस्जिद का, तो अब ताजमहल का मुद्दा उठा के इस तरह की फिजा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। सर परिचय दें। मेरा नाम अमजद कुरैसी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ। सर ये ताजमहल और तेजो महल विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश में, प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, ये बड़ी ही गंदी और तुच्छी किस्म की राजनीति जो कर रहे हैं ऐसे लोग, वो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने अभी हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की है, मुझे अभी मतलब जैसे कि जानकारी हुई है कि वो खुद जो है बीजेपी का जिला प्रभारी है अयोध्या का, तो ऐसे लोगों को जो पार्टी में रख करके इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो ये तो धूमिल हो रही है ना बीजेपी की सरकार और जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं उस पर। तो भारतीय जनता पार्टी को, खुद योगी जी को और मोदी जी को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो मतलब देश को बांटने की बात कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ताजमहल ताजमहल था, ताजमहल ही रहेगा। ये सब मतलब अपने दिमाग से ऐसी गंदी राजनीति निकाल दें। क्या लगता है आपको, ये विवाद सही है या बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है? बिल्कुल गलत है ये विवाद। इसको तो बेफालतू में जो है एक उछाला जा रहा है और जो है जनता को, भोली वाली जनता को भटकाया जा रहा है मुद्दों से। ये काम करना है तो विकास के नाम पर करें, शिक्षा के नाम पर करें, बेरोजगारी के नाम पर करें भाई। ये तो सारी चीज़ दिख नहीं रही, लेकिन ये फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जनता सब जानती है, जनता जागरूक है। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ताजमहल का, ताजमहल किसने बनाया था किसी से छुपा नहीं है, और ताजमहल दुनिया की नंबर एक की ऐतिहासिक इमारत है जिसको देश और विदेश से लोग देखने आते हैं। अगर इसको ये तेजो महल कहते हैं, मैं चैलेंज देता हूं सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को, आप उसका नाम बदल दो, उसका नाम तेजो महल कर दो, फिर मैं देखता हूँ कितने टूरिस्ट वहाँ आते हैं और कितना, जहाँ ताजमहल से जो आमदनी होती है वो आप किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्च करोगे? देखिए, ताजमहल एक सदीकालीन से मोहब्बत का प्रतीक है। शाहजहाँ साहब ने जब से इसका निर्माण किया तो एक उस कालीन से मोहब्बत बरकरार है और आज तक है। मगर ये तेजू महल, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको जिस तरीके से रूप देना चाह रही है, मगर इस मोहब्बत की नगरी में ये ऐसा रूप नहीं दे पाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि यहाँ का देश का नागरिक, आगरा का नागरिक मोहब्बत का प्रतीक है। पूरे देश में आगरा मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। ताजमहल या तेजो महल गुत्थी उलझती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या के डॉक्टर रजनीश सिंह के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कई तरीके की मांगें भी की गई हैं कि ताजमहल में 22 कमरे हैं जो स्थायी रूप से बंद हैं, उनको खुलवाया जाए और उसके अंदर शिव जी की प्रतिमा भी निकलेगी और तमाम तरीके की चीज़ें निकलेंगी जिससे ये साबित हो सकेगा कि तेजो महले है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के आने से पहले ही हिंदूवादी संगठनों ने ताजमहल पहुंचकर मिठाई वितरित का कार्यक्रम भी किया गया। मौजूदा पुलिस ने उनको रोका, लेकिन ताजमहल या तेजो महले इसको लेकर आगरा की जनता क्या कहती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ के
एमटी इंस्टीट्यूट में परीक्षा के दौरान छात्रों ने हंगामा करते हुए स्कूल प्रशासन पर नकल कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। वे प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पैसे नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट भी की गई, जबकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता अमित गोस्वामी ने कहा कि ज्ञान महाविद्यालय में बीकॉम के तीसरे साल का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, जहाँ परीक्षा के नाम छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। IIMT कॉलेज में ज्ञान महाविद्यालय के बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, नकल के नाम पर एक बड़ी मोटी उगाही छात्रों से लगातार यहाँ की जा रही है। आज करीब जो है ज्ञान महाविद्यालय के 4-5 छात्रों के साथ बहुत अमर्यादित स्थिति में यहाँ के शिक्षकों और स्टैंड संचालकों के द्वारा मारपीट की गई। छात्र संबंधित थाने में शिकायत करने गए, पुलिस ने उल्टा उन पर कार्रवाई करके उनकी बाइकों को बंद कर दिया। छात्रों ने तत्काल इसकी सूचना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को दी। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और छात्र आए यहाँ अपनी मांग को लेकर इस समय कॉलेज कैंपस में उपस्थित है। देखिए बीकॉम थर्ड ईयर का यहाँ पर सेंटर गगन कॉलेज का पड़ा हुआ है, यहाँ पर छात्रों से 5,000 रुपए अवैध वसूली के रूप में नकल कराने के लिए लिए आ रहे थे। छात्रों ने जब मना किया, विरोध किया इसका, तो उसके साथ कॉलेज स्टाफ, टीचर्स और एक मैडम है, उनके कहने पर इन छात्रों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, क्योंकि उन्होंने नकल के पैसे नहीं दिए। उसके बाद हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित होने कर आए हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। तो यहाँ पर कोई भी न कॉलेज का ऑथेंटिक पर्सन, कोई भी ना डायरेक्टर है, ना प्रिंसिपल है, ना प्रॉक्टर है, सारे लोग यहाँ। छात्रों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला इस वाक्या के बाद से। कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया छात्रों द्वारा। छात्रों का कहना है कि नकल कराने के नाम पर अवैध वसूली छात्रों से की जाती है और कई तरह के जो इल्जाम है वो स्कूल प्रशासन पर लगाए गए हैं। संभल के युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे गए हैं, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और नकुल सिंह ओलख जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां के बीए तृतीय वर्ष के 113 छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने आभार व्यक्त करते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के निर्देश दिए। खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों और युवकों के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना बिनावर पुलिस ने बरेली बदायूं मार्ग से एक संदिग्ध युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपी युवक ने पूछताछ में बताया कि उसने जनपद की कई जगहों से कुल 5 बाइक चोरी की थी, जिसे उसने कुतुबपुर थरा में छुपा रखा है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम गोविंद सना ऑफ वीरपाल, थाना बिनावर के रफियाबाद गांव का ही था। उसने पूछताछ बताया कि उसने ये गाड़ी जो चोरी गाड़ी से बरामद की थी, वो गाड़ी उसने नौशेरा थाना क्षेत्र सिविल लाइन से चुराई थी। इसके अलावा उसने 5 अन्य गाड़ियों को भी चोरी करना स्वीकार किया, जिसको उसके द्वारा बताया गया कि उसने कुतुबपुरा थरा गांव में उसने एक बंद कमरे में छुपा कर रखा है, जिसको उसके कब्जे से बाद में बरामद किया गया। रेलवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। संभल में 3 दिन पहले युवक घर से ही लापता हो गया था, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल लगा है, जिससे ग्रामीण में आक्रोश व्याप्त हो गया है और रोड जाम कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक युवक का अपने ही भाई से जमीनी विवाद चल रहा था और अचानक युवक को कोई घर से उठा ले गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे के अंतर्गत मंडी चौराहे के पास खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। इसकी जानकारी होते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन बाइक आग के गोले में तब्दील होकर खाक हो गई। से आए थे हमने वहां से आगे गाड़ी खड़ी कर दी,
और मार्केट में गई यहाँ से और वहाँ पे ले रहे थे। मैं आया और मैंने स्टैंड उतार रहा था, उतनी में तो आग लग गई। क्या कारण रहे? मंडी जो रहा था गाड़ी आग लग रही थी। मुरादाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई और हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के मंडी समिति रोड के पास यह हादसा हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अपनी फेसबुक पर मस्जिदों के सर्वे और ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे को लेकर एक पोस्ट की, जिसके बाद यह पोस्ट चर्चा में आ गई है, जिस पर संगीत सोम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि देश भर की सभी मस्जिदों का सर्वे किया जाना चाहिए और सर्वे के बाद जो भी वहां से जानकारी मिले उसके हिसाब से पुराने स्वरूप से पुनर्स्थापित किया जाए। मुगल कालीन इमारतें नहीं है, ये मुगलों की बनाई हुई इमारतें नहीं है। मुगलों ने इनका स्वरूप बदला है, ये मंदिर हुआ करते थे, ये मंदिरों का स्वरूप बदला है, उन्हें तोड़ के थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके उसे मस्जिद का स्वरूप दे दिया। ये सब बनाए हुए हिंदू राजाओं के थे, ये सब मंदिर थे। मैं ये चाहता हूँ, नहीं आप कहते हैं हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कमेटी बने, सर्वे हो, जितनी भी ये मस्जिद है उस टाइम की मुगल शासन की ये बनी हुई है, इनका सर्वे करा के जो जिस स्वरूप में थी उस स्वरूप। बलिया के बेलथरा से सुभाषा विधायक हंशु राम ने सीयर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी कमियां पाई गई, जहां डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों को बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। वहीं इस दौरान एक महिला को प्राइवेट पर्ची पर दवाइयां लिखी थी, जिसको देखते हुए जब विधायक ने डॉक्टर की टेबल की तलाशी कराई तो वहां कुछ प्राइवेट पर्ची रखी मिली, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से स्वास्थ्य विभाग का खासा ध्यान रखा जा रहा है, औचक निरीक्षण किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के कई आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बीच इस तरह की जो घटनाएं सामने निकल करके आ रही है, डॉक्टरों की हरकतें निकल करके सामने आ रही है, बेहद ही निंदनीय है। इसको ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द हम ठीक करा लेंगे। ऐसी सरकार की मंशा है सर, सभी सरकारी हॉस्पिटल से दवा मिलनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ तो नहीं, मोस्टली दवा हमारे यहाँ से मिलती है, ऐसी बात नहीं है। पैथोलॉजी सभी तो बाहर से कराई जा रही है सर, मेरे यहाँ यूएससी नहीं है, इसलिए लोग बाहर से करा लेते हैं, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। हमारे अल्ट्रासाउंड की उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। जी जी, लेकिन दवाएं भी तो बाहर से मंगाई जा रही है आपके यहाँ से। इसको हमने संज्ञान में लिया, हमने देख रहे हैं कौन लिख रहा है, ठीक है, हम लेंगे एक्शन, लेंगे इस पर कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलथरा का मैंने निरीक्षण किया है, मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी देखा, वहाँ पर 66 मरीज जो है रजिस्टर्ड किए गए थे अभी तक, जहाँ प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर हैं बैठे हैं वहाँ पर मैंने उसको भी देखा। मुझे यहाँ एक कमी ये देखने मिली, जो कि बाहर की जो पर्चियाँ हैं, जो उनके एडवर्टीजमेंट वाले जो पर्चे होते हैं उस पर डॉक्टर पर्ची दवा कुछ लिखते हुए पाए गए हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सुपरिटेंडेंट से कहा गया है कि वो उस पर निगाह रखें। दूसरी बात है कि किसी पेशेंट को बाहर से दवा नहीं लिखी जानी चाहिए, दवा कोशिश हो कि जो अस्पताल में उपलब्ध है उन दवाओं को ही लिखा जाए, ताकि उन्हें बाहर जो गरीब पेशेंट। खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं अखिलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसको लेकर विधायक ने निरीक्षण किया और कमियां पाई है? समुदाय सीयर से विधायक ने निरीक्षण किया, सुभाषपा से विधायक हैं और शासन सत्ता में न रहते हुए भी विधायक का क्षेत्र पड़ता है, और कमियां की बार बार शिकायत मिलने के वजह से विधायक ने वहां निरीक्षण किया, यहां तक एक महिला से पर्ची ली जिसमें बाहर की दवाएं लिखी गई, जिसमें सीएमएस को जो समुदाय केंद्र प्रभारी हैं उनको बुलाकर डाट फटकार भी लगाई गई। जी बताएं जी, अब किस तरह का एक्शन डॉक्टर पे लिया जाएगा? डॉक्टर तनवीर जो समझते स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक है, कहें कि इस बार वार्निंग देकर छोड़ दिया जा रहा, जैसे फिर लापरवाही पाई जाएगी इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लखनऊ विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने एक डिबेट शो में काशी विश्वनाथ मंदिर और साधु संतों को लेकर विवादित प्रतिक्रिया दी। इससे नाराज एबीवीपी के छात्रों ने जमकर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद स्टूडेंट परिसर में प्रदर्शन करते दिखे। उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन डॉक्टर रविकांत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। विश्वविद्यालय में एक यहाँ के तैनात जो अध्यापक है उनकी तरफ से धार्मिक आहत करने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कई छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सलोनी शुक्ला है, बीकॉम सेकेंड ईयर। सलोनी, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं और क्या मांगों पे अड़ी हुई हैं? कल एक वीडियो सामने आया जिसमें हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि जहांगीर जो है उन्होंने सही काम किया था, औरंगजेब ने सही काम किया था, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिए थे और वहां पर नग्न अवस्था में औरतें नहा रही थी, उनका रेप कर दिया पंडितों ने, तो उन्होंने मंदिर तोड़वा कर सही काम किया, उसकी जगह मस्जिद बनवा दिया। और जो औरतें अभी डिमांड कर रही हैं कि मंदिर बनना चाहिए, वो उनको इस बात से सीखना चाहिए। अभी आकर वो कुछ देर पहले हाल में बोल कर गए कि वो किसी किताब का उठाकर वाक्य उन्होंने कह दिया। ये एक प्रश्न मेरा है उनसे कि वो एक प्रोफेसर है तो ऐसी किताब का वाक्य क्यों उठा रहे हैं जो किसी के सेंटिमेंट हर्ट कर सकता है। ये बताया, आप घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आपके के वो शिक्षक भी आए थे, तो उनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है? उनकी दलील ये दी जा रही है कि मैंने सिर्फ एक वाक्य प्रस्तुत कर दिया था एक बुक में से उठाकर, मैं फिर भी अगर मेरा संविधान का हक नहीं है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। उनका साफ साफ स्टेटमेंट ये था कि वो एहसान कर दिए हैं हम पर माफी मांग कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान का हक नहीं है तो माफी मांगेंगे। संविधान तो ये भी हक देता है कि सेक्युलर होना चाहिए। तो हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र थे का साफ तौर पे धार्मिक मामलों को आहत करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु प्राइम टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर राकेश द्विवेदी जी। सर आज यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे धार्मिक मामलों को आहत का आरोप लगाकर शिक्षक पर, क्या पूरा मामला था और क्या निष्कर्ष निकल के आया? ये एक कल इस प्रकार का विषय आया कि शायद एक भाई शिक्षक द्वारा कुछ इस प्रकार का निर्णय पे कुछ एक अपना वक्तव्य दिया गया, तो जिसमें कुछ हमारे यहाँ के छात्र थे उनको लगा कि आपका धर्म विशेष को लेकर वो कुछ भावनाएं उनकी आहत हुई हैं, उसी को लेकर के छात्रों ने जो है अपना प्रदर्शन किया था, जिसमें शिक्षक आए थे, उन्होंने अपना उसमें खेद भी व्यक्त किया है और कुछ बच्चों ने और कार्रवाई की बातचीत तो लिखित रूप में हम लोग को दे रहे हैं, जो नियमानुसार जो होगा उस तरीके से हम लोग आगे करेंगे। सर, छात्र आप प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने निकली हैं कि छात्रों पर भी आप कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी भी बातें आई हैं क्या? अभी इस प्रकार का विषय नहीं है, मतलब ये सब जनतांत्रिक अधिकार है करने का, तो उस तरीके से अपनी बात सब लोग कह रहे हैं, कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। अच्छा, जो अध्यापक है जिन पे आरोप लगा है उनका पक्ष क्या है, क्योंकि आप प्रोक्टर है, आप दोनों पक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाले होंगे। नहीं नहीं, पक्ष बेसिकली क्या है, जब छात्रों ने अपनी बात कही तो हमने टीचरों को बुलाया, टीचर ने भी अपनी बात कही है, ठीक है, अगर इसमें लगता है कोई संतुष्ट होता है असंतुष्ट होता है। सर, क्या छात्र इस कार्रवाई के बाद सहमत है जो आपने किया? नहीं, देखिए, जो हमारा काम विश्वविद्यालय में अभी आज घटना हुई, हमने बातचीत की, उस चीज़ को हमने खत्म कर दिया, बाकी अगर कुछ हमको लिखेंगे तो आगे फर्दर जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के अधीन हम लोग कार्य करेंगे। ये इस प्रकार का मुझे लगता है कि पहला मामला अभी यहाँ इधर इस पर भी इधर घटना में आया है, आगे कुछ होगा जो नियमानुसार होगा देखा जाएगा। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि छात्र और शिक्षकों के बीच अच्छा तालमेल बना जाएगा, साथ ही साथ शांति व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। विश्वविद्यालय में एक अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।